आज का हमारा जो टॉपिक है इस वीडियो सेशन का वो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। इसमें जो हम बताएंगे अभी तक जो आपने जो पढ़ा है वो है बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है वो आप पढ़ चुके हैं। इस वीडियो सेशन बताने वाले हैं वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो वैद्युत द्विध्रुव के बारे में सभी लोग जानते होंगे। वैद्युत द्विध्रुव होता क्या है, जब दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत समीप रखे जाते हैं तो इस प्रकार जो निकाय बनता है उसको बोलते हैं वैद्युत द्विध्रुव। अब वैद्युत द्विध्रुव के कारण सबसे पहले बिंदु आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी, फिर वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता पड़ी थी। इसमें क्या पढ़ेंगे हम, बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है वो ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। अब हमें पढ़ना है वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। समझना, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। तो जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली थी तब दो स्थितियां थी, एक अक्षीय स्थिति दूसरी थी निरक्षीय स्थिति। इसमें भी इसी प्रकार से हम करेंगे, अक्षीय स्थिति में निरक्षीय स्थिति में, और एक तीसरी स्थिति और जोड़ रहे हैं वो है किसी भी बिंदु पर व्यापक बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र वैद्युत विभव, व्यापक बिंदु पर वैद्युत विभव। तो सबसे पहले हम निकालते हैं वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव, और पहली जो इसकी स्थिति होगी वो होगी अक्षीय स्थिति, यानी कि हेडिंग जो है हमारी वो होगी वैद्युत द्विध्रुव की, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव, वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव। तो ध्यान से समझिएगा, सबसे पहले बनाते हैं वैद्युत द्विध्रुव। वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है, दो समान परमाणु और विपरीत प्रकृति के आवेश एक दूसरे के अत्यंत समीप रखे जाते हैं। ये देखो प्रदर्शित है, यहाँ पे माइनस क्यू आवेश रखा हुआ है, यहाँ पे प्लस क्यू आवेश रखा है। दोनों समान परमाणु के हैं, ये भी क्यू है ये भी क्यू है, प्रकृति विपरीत है, ये माइनस का है ये प्लस का है, ये रहा बिंदु ए ये रहा बिंदु बी, और जो इसका मध्य बिंदु है ओ, दोनों बिंदु आवेशों के बीच की जो दूरी होगी वो हम 2L लेते हैं वैद्युत द्विध्रुव में। तो इस प्रकार से ये जो दूरी है वो हो जाएगी L और ये दूरी है वो हो जाएगी L, L और L 2L। इसके मध्य बिंदु से इसकी अक्ष पर एक बिंदु स्थित है, मध्य बिंदु से एक बिंदु स्थित है P अक्षीय स्थिति में, और जो बिंदु P है वो R दूरी पर है। कितनी दूरी पर है, R दूरी पर है। तो इस प्रकार माइनस क्यू से इस बिंदु P की जो दूरी हो जाएगी वो हो जाएगी R प्लस L। कितनी हुई, R प्लस L, और जो प्लस Q की जो दूरी हो जाएगी बिंदु P तक की वो हो जाएगी R माइनस L। क्या हो जाएगी, R माइनस L। चित्र की ज्यामिति से आपको समझ में आ रहा होगा ये कैसे हो गई है दूरियां, आ रहा है ना समझ में। देखो माइनस Q और प्लस Q के बीच की दूरी 2L थी, अब इस वैद्युत द्विध्रुव का जो मध्य बिंदु था वो था O, इस बिंदु O से R दूरी पर अक्षीय स्थिति में एक बिंदु स्थित था P, इस बिंदु पर हमें ज्ञात करना है वैद्युत विभव। तो माइनस क्यू की इस प्लस से जो दूरी होगी वो आर प्लस एल होगी, क्योंकि ये दूरी एल और ये दूरी आर, दोनों को ऐड किया तो आर प्लस एल। बिंदु बी की जो दूरी होगी पी से, बिंदु बी पर प्लस क्यू आवेश रखा वो दूरी हो जाएगी आर माइनस एल। ठीक है, तो अब स्टार्ट करते हैं डायरेक्ट लैंग्वेज जो हमने बोला है चित्र बना, जो आपका चित्र बना होता है वो उसमें भाषा के रूप में लिखते हैं। अब देखो हम करते हैं स्टार्ट करते हैं, तो माइनस क्यू के कारण, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव, माइनस क्यू के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, वी वन इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, देखो बिंदु आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होता है वो होता है वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। अब माइनस क्यू के लिए फॉर्मूला लग जाएगा वी वन बराबर वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, आवेश क्या है क्यू, और ये डिस्टेंस है वो कितनी है आर प्लस एल। क्लियर, एक चीज और, जब वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते थे तो जो आवेश का मान था वो चिन्ह सहित नहीं रखा था, इसमें परमाणु के साथ चिन्ह भी रखेंगे। तो वी वन इक्वल्स हो जाएगा माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। अब निकालेंगे प्लस क्यू के कारण, प्लस क्यू के कारण विभव, देखो प्लस क्यू के कारण विभव कितना होगा, प्लस क्यू के कारण विभव होगा वी टू इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन, यहाँ पे क्या हो जाएगा आर माइनस एल, क्योंकि प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो कितनी बची है आर माइनस एल बची हुई है। ठीक है, इसको लिया इक्वेशन नंबर सेकेंड। पुल विभव,
कुल विभव क्या होगा, सारे विभव ऐड कर देंगे, कुल विभव V इक्वल्स V1 प्लस V2। तो V इक्वल्स V1 कितना है, V1 है माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R प्लस L। V2 कितना है, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q अपॉन R माइनस L। V इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q, इतना तो आ जाएगा कॉमन, तो नीचे क्या होगा माइनस वन अपॉन आर प्लस एल प्लस वन अपॉन आर माइनस एल। एलसीएम लो दोनों तरफ, दोनों का वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एलसीएम जब लेंगे तो क्या हो जाएगा आर प्लस एल आर माइनस एल, लेने के बाद हो गया यहाँ पे आर प्लस एल आर माइनस एल, है ना। ये जो आर माइनस एल इसका मल्टीप्लाई यहाँ पे होगा, तो माइनस जो साइन है ऑलरेडी लगा हुआ है, तो माइनस का मल्टीप्लाई जब होगा तो ये हो जाएगा माइनस का आर प्लस का एल, और यहाँ पे क्या हो जाएगा प्लस आर प्लस एल डायरेक्ट पहुंच जाएगा आर प्लस एल। ठीक है, माइनस का आर प्लस का आर कैंसिल, वी इक्वल्स हुआ वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू, एल और एल ट्वाइस एल, और ये देखो आर प्लस एल आर माइनस एल आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर हो जाएगा ना। अब यहां पे देखते हैं सबसे बड़ी चीज, तो L जो है R से बहुत छोटा है, L इज वेरी वेरी लेस देन R, तो जो L स्क्वायर का मान होगा, L स्क्वायर का मान अनकाउंटेबल होगा, नगण्य होगा, L स्क्वायर का मान नगण्य होगा। ठीक है भाई, L स्क्वायर का मान क्या हो गया, नगण्य हो गया। और यहां पे देखो Q इंटू टू एल, ये क्या होता है P होता है, सभी लोग जानते हो। तो V इक्वल्स क्या हो गया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट Q इंटू टू एल के, Q इंटू टू एल को रिप्लेस कर दिया P से, P अपॉन, और L स्क्वायर को नगण मान लिया तो क्या बचा R स्क्वायर। तो अक्षीय स्थिति में जो वैद्युत विभव निकला वो निकला है V इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट P अपॉन R स्क्वायर। एक बार फिर से रिवाइज के तौर पे जल्दी से देख लो, वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव निकालना है, तो माइनस क्यू प्लस क्यू मिलकर एक वैद्युत द्विध्रुव का निर्माण कर रहे थे, इनके बीच की दूरी थी 2L, इनका मध्य बिंदु था O, तो ये दूरी L हो जाएगी, ये दूरी L हो जाएगी, इसके मध्य बिंदु O से R दूरी पर एक बिंदु स्थित था P, और ये जो बिंदु P स्थित है वो अक्षीय स्थिति में स्थित है, इस बिंदु P पर हमें वैद्युत विभव निकालना है, तो माइनस क्यू से जो प्लस, जो माइनस क्यू से P की जो डिस्टेंस थी वो थी R प्लस L, और प्लस क्यू से P की डिस्टेंस थी वो थी R माइनस L। तो बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होता है वो हम सॉल्व कर चुके हैं, डेरिवेशन कर चुके हैं, वो होता है V इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर स्क्वायर, और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में होता है वन अपॉन आर स्क्वायर, यहाँ पे वन अपॉन आर होगा सिर्फ, V इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर। तो V1 इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, अब चिन्ह साइड मान रखेंगे क्यू अपॉन आर प्लस एल, तो माइनस आगे आ जाएगा V1 इक्वल्स माइनस वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर प्लस एल, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। फिर प्लस क्यू के कारण जब वैद्युत विभव निकाला तो प्लस क्यू से जो डिस्टेंस है वो आर माइनस एल बची है, तो वी टू इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू अपॉन आर माइनस एल, कुल विभव होगा वी इक्वल्स वी वन प्लस वी टू। तो बस दोनों को ऐड करके लिख दिया, वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू दोनों से कॉमन निकाला, तो यहाँ पे क्या बचा माइनस, तो बचा ही था माइनस वन अपॉन आर प्लस एल, और यहाँ पे वन अपॉन आर माइनस एल। बस इसको, इस फ्रैक्शन को सॉल्व किया हमने एलसीएम लेके, तो ये आया। फिर क्यू इंटू टू एल होता है पी, और एल स्क्वायर का मान नगण्य हो जाएगा, तो जब एल स्क्वायर को हटा दिया और इसको रिप्लेस कर दिया पी से, तो V इक्वल्स वन अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट पी अपॉन आर स्क्वायर, मात्रक क्या होता है वोल्ट। क्लियर, तो मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगले डेरिवेशन के साथ निरक्षी स्थिति में।